गैस, अपने गिट ट्यूटोरियल में काफ़ी चीज़ें देखी हम लोगों ने। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ फाइल्स ट्रैक करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने गिट की ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इसको बुकमार्क करके यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव कर लें, ताकि ये प्लेलिस्ट आपकी अपनी हो जाए और जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो मान लो कि मेरा ये फोल्डर है, इनफैक्ट ये मेरा फोल्डर ही है, मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा और मैं सिंपल एक टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, एक टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा और इसका नाम लिखूंगा फर्स्ट। तो first.txt हमारी टेक्स्ट फाइल यहाँ पर बन चुकी है, और यहाँ पर ये एक्सटेंशन अभी नहीं दिखा रहा है मुझे, .txt इसमें नहीं लिखा हुआ है, और कंट्रोल दबाकर स्क्रॉल किया है मैंने सिर्फ बड़ा करने के लिए इसको, ताकि आप लोगों को दिखे। और यहाँ पर अगर आप व्यू में जाएं और उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन होता है, मैं अगर यहाँ पर फोल्डर ऑप्शंस में जाऊँ, कहीं पर सेटिंग होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग होम में होती है कहीं, जिसकी मदद से आप यहाँ पर एक्सटेंशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर व्यू में क्लिक करके अगर मैं ऑप्शंस में क्लिक करूँ, और उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन होता है जो कि मुझे बताता है कि आप फाइल की एक्सटेंशन को हाइड मत करो। तो ये देखो फाइल हाइड एक्सटेंशंस फॉर नोन फाइल टाइप्स, ये मैं अप्लाई कर दूंगा, तो देखो first.txt आ गया। तो मुझे चाहिए अभी फाइल एक्सटेंशन, मुझे चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक फाइल बनाई, कुछ नहीं। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ वर्जन वन ऑफ माई प्रोजेक्ट, ठीक है। मान लो मैंने कुछ कोड लिखा, इनफैक्ट ये कुछ सोर्स कोड होगा, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर दिस इज़ वर्जन वन ऑफ द प्रोजेक्ट लिख दिया, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है, मान लो एक्सेस डेटाबेस बना दिया, मान लो, तो मैं db.accdb रख रहा हूँ। अब ये फाइल क्या होती है, कैसे होती है, वो सब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एक फाइल मैंने यहाँ पर बना दी है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर न्यू में जाऊँगा, एक विनरार आर्काइव क्या बनाऊँ, एक्सेल डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, माई एक्सेल लिख देता हूँ इसको। तीन फाइलें यहाँ पर हैं, मैंने अपनी एक्सेल फाइल में कुछ नहीं डाला हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस रेपोजिटरी को ट्रैक करना, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, और अगर आप पावर शेल यूज़ कर रहे हैं तो शिफ्ट राइट क्लिक करें, और वरना आप लोग सिर्फ राइट क्लिक करें, ठीक है। फिर सिर्फ राइट क्लिक करेंगे तो ओपन पावर शेल विंडो नहीं आएगा, शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो आप अभी यहाँ पर गिट बैश शेयर सेलेक्ट करें, क्योंकि हम गिट बैश यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लोग उबंटू में हैं, लिनक्स में हैं, या फिर मैक ओएस में, तो डायरेक्टली आप टर्मिनल खोल लें, वहाँ पर ऑप्शन होता है राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल इन दिस फोल्डर का, कंट्रोल प्लस करके मैं इसको जूम करूँगा इस तरह से। और यहाँ पर सबसे पहला कमांड, इसको आप लिख लेना, मैं लिखूँगा गिट स्टेटस, और मुझे एक एरर, क्या कहूँ इसको, एरर नहीं कहना चाहिए वैसे, मुझे एक मैसेज मिलेगा, ये कह रहा है कि नॉट अ गिट रिपोजिटरी, फेटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी। आपकी कोई भी गिट रिपोजिटरी अभी यहाँ पर ये ना ही, तो इसकी कोई पेरेंट रिपोजिटरी गिट रिपोजिटरी है, यानी कि ना ही आप किसी गिट रिपोजिटरी के अंदर हैं और ना ही ये एक गिट रिपोजिटरी है, ठीक है। मैं यहाँ पर गिट स्टेटस फिर से लिख देता हूँ ताकि पूरी ये जगह ले ले। चलो जी, अब क्या करें, अब मैं, मुझे पता तो चल गया कि ये गिट रिपोजिटरी नहीं है। अब मैंने ये क्यों चेक किया, हो सकता है ये गिट रिपोजिटरी होती तो मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं कुछ गड़बड़ करूं, तब मैं उसका स्टेटस देखता हूं, उस गिट रिपोजिटरी का स्टेटस क्या है। तो गिट स्टेटस कमांड तो आपको रट लेना है, बिल्कुल ऐसे रट लेना है कि अगर कोई रात को बीच में आपके पानी डाल दे 2 बजे सोते हुए, और उसके बाद भी पूछे कि स्टेटस कैसे चेक करना है किसी भी गिट फोल्डर में, तो आप बता दें गिट स्टेटस। चलो जी, ये हो गई एक बात। अब यहाँ पर मान लो मैं इसको गिट रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ, अब मैं इसको एक गिट रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये गिट रिपोजिटरी नहीं है, तो मैं लिखूंगा गिट इनिट, यानी कि मैं इनिशियलाइज कर दूंगा एक नई गिट रिपोजिटरी। रन किया, इसने मुझे क्या मैसेज दिया आप लोग देख सकते हो, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, यानी कि आपके इस फोल्डर को गिट रिपोजिटरी बना दिया गया है, आपके इस फोल्डर को, ये जो तीन फाइलें जिसमें हैं उसको गिट रिपोजिटरी बना दिया गया है। गिट ने कह दिया कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ट्रैक करूंगा ये सारी फाइल्स। अब यहाँ पर एक फोल्डर भी बन गया है डॉट गिट, जो कि हिडन है इसीलिए दिख नहीं रहा है, और उसको हिडन ही रहने देते हैं, अभी हम उसको नहीं देखेंगे। मैं यहाँ पर खोलूंगा, अब अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस डालूं तो ये मुझे बता रहा है, अब क्योंकि अब ट्रैकिंग चालू हो चुकी है, पहले गिट स्टेटस डाला था, ये कह रहा है कि यार गिट रिपोजिटरी तो है नहीं, तो आप कैसे पूछ सकते हो कि इसका स्टेटस क्या है, जो चीज़ है ही नहीं उसका स्टेटस क्या। उसके बाद आपने कहा चलो ठीक है, तो एक बना दो नई गिट रिपोजिटरी, इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। फिर गिट स्टेटस किया तो ये कह रहा है ऑन ब्रांच मास्टर। अब ये ब्रांच मास्टर क्या है ये हम आगे देखेंगे, अभी बस इतना समझ लो कि ब्रांच बाय डिफॉल्ट मास्टर होती है, मास्टर मतलब मेन ब्रांच। अब ब्रांच क्या है ये मैं बताऊंगा आगे, अभी आप इस चीज़ को इग्नोर कर दो। और अभी तक हमने कोई कमिट नहीं किया है, बिल्कुल सही बात, नो कमिट सेट, हमने कोई कमिट किया ही नहीं अभी तक, लेकिन कह रहा है कि कुछ फाइलें ऐसी हैं जिसको आपने ट्रैक नहीं करा है, तो आप उनको ट्रैक कर लें प्लीज़। अब मान लो कि मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ, सारी फाइल्स को एक साथ, सारी फाइल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा गिट ऐड माइनस ए। गिट ऐड माइनस ए मतलब सारी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में डाल दो। अब स्टेजिंग एरिया मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अनोन स्विच ए,
तो आपको यहाँ पर डबल माइनस लगाना पड़ता है, तो गेट ऐड माइनस माइनस ये आपको करना पड़ता है, जिससे क्या होता है सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेजिंग एरिया में आ चुकी हैं, यानी कि ऑल माइनस माइनस ए का मतलब होता है ऑल, आप सारी की सारी फाइल्स को लगाना चाहते हो स्टेजिंग एरिया में। तो यहाँ पर अगर मैं अब गेट स्टेटस करूँ तो यहाँ पर देखो ये हरे में आ चुका है न्यू फाइल, ये कह रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कि आपने स्टेजिंग एरिया में खड़े कर रखे हैं कुछ चेंजेस। यानी कि ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर जाऊँ तो देखो ये कह रहा था पहले अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, अब ये कह रहा है कि आपने स्टेज कर दिए चेंजेस, यानी कि चेंजेस टू बी कमिटेड, आपने इन चेंजेस को स्टेज कर दिया, यानी कि आपने खड़ा कर दिया स्टेज पर, और इसके बाद जैसे ही आप कमिट करोगे वैसे ही क्या होगा आपका जो ये तीन फाइलें ये एक कमिट में चली जाएंगी, यानी कि एक स्नैपशॉट इसकी एक फ़ोटो खिंच जाएगी, एक स्नैपशॉट बन जाएगा। तो मैं ऑब्वियसली अगर मेरी फाइल्स नई हैं तो मैं एक स्नैपशॉट तो बनाना चाहूँगा ही उनका, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट, फिर मैं लिखूँगा कमिट, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर माइनस एम, यानी कि मैं सिर्फ कमिट करके एक मैसेज डाल के ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आप गेट कमिट लिखेंगे तो एक एडिटर खुल जाएगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ गेट कमिट माइनस एम, यानी कि एक मैसेज डालूँ और कोलन में मैं लिखूँगा, डबल कोट स्टार्ट करके लिखूँगा इनिशियल कमिट, क्योंकि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैंने ट्रैकिंग करना चालू करी है, मैंने सारी फाइल्स को स्टेज किया सबसे पहले गिट एड माइनस माइनस ए करके, और उसके बाद मैंने क्या किया गिट कमिट माइनस एम इनिशियल कमिट कर दिया, एंटर मारूंगा और इसने कह दिया कि जी आपका कमिट बन चुका है, आपका कमिट बन चुका है। अब अगर मैं गिट स्टेटस लिखूंगा तो अब ये कह रहा है कि सब कुछ क्लीन है, जितने चेंजेस आपने स्टेज किए थे सब आपने कमिट कर दिए हैं, फोटो खिंच चुका है, एकदम वर्किंग ट्री आपका क्लीन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से कमिट किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, गिट लॉग लिख सकते हैं, और जैसे आप गिट लॉग लिखेंगे आपके सारे कमिट आ जाएंगे। तो देखो ये कह रहा है कि हैरी ने एक कमिट किया है जिसमें उन्होंने मैसेज डाला इनिशियल कमिट, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इस कमिट का एक हैश भी मिल रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है, ये कह रहा है कि अभी हम यहाँ पर हैं, एक ही कमिट है सिर्फ। अब मान लो कि मैंने चेंज कर दिया फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, और मान लो मैं लिख देता हूँ कि आई वॉन्ट दिस टू कमिट टू गो इन टू कमिट टू, मान लो ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं गिट स्टेटस लिखूंगा तो ये ट्रैक कर लेगा, कहेगा जी आपने फर्स्ट डॉट टी एक्स टी को मॉडिफाई कर लिया। तो मैं कहूँगा ठीक है मैंने मॉडिफाई किया, मैं कुछ काम करना चाहता था फर्स्ट डॉट टी एक्स टी के साथ, मान लो मैंने डिज़ाइन को अच्छा कर दिया फर्स्ट डॉट टी एक्स टी को एडिट करके, उसी के साथ साथ मैंने क्या किया माई एक्सेल को मैं खोल के उसमें कुछ डेटा डाल देता हूँ, ठीक है, मैं कुछ उसमें डाल दूंगा एक दो कॉलम, डिटेक्ट कर लेगा वो डिटेक्ट कर लेगा कि जी आपने कुछ डाला है इसमें, मान लो मैंने कुछ ऐसे ऐसे डाल दिया इसमें, ठीक है, मैंने ये ऐसे कुछ रैंडम डाल दिया, सेव कर दिया इसको, और सेव करके मैंने बंद कर दिया, ठीक है, सेव करके बंद कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं जैसे इसको खोलूँगा, मैं फिर से गिट स्टेटस चलाऊँगा, मैंने एरो की यूज़ किया ऊपर वाला, उससे मेरी सारी कमांड हिस्ट्री आ जाती है, मैं गिट स्टेटस करूँगा तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी ये फाइल मॉडिफाइड है और ये फाइल भी मॉडिफाइड है। मान लो कि मैं सिर्फ इसको स्टेजिंग एरिया में डालना चाहता हूँ, मैं अभी मुझे झिझक हो रही है इसको कमिट में ऐड करने की, क्योंकि मुझे इसमें अभी और काम करना है एक्सेल वाली फाइल में, मान लो ऐसा, मान लो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, कुछ अभी मैं लाइव प्रोजेक्ट के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं लाइव प्रोजेक्ट के साथ भी करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं सिर्फ फाइलों के साथ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट डॉट टी एक्स टी को मैं सिर्फ कमिट करना चाहता हूँ और माई एक्सेल को मैं नहीं छूना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा गेट ऐड फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, और अब गिट स्टेटस करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि आपने फर्स्ट डॉट टी एक्स टी को यहाँ पर कमिट होने के लिए स्टेज कर दिया, इसलिए हरे से आ रहा है। लेकिन आपने इसको चेंज, अभी आपने इस चेंज को स्टेज नहीं किया है, ये आपका चेंज ऐसे के ऐसे ही है, ठीक है, मैं समझ गया, आप समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। चलो जी ये हो गया, अब अगर मैं यहाँ पर गिट कमिट माइनस एम लिखूँगा तो मैं एक मैसेज डालूँगा, मैं लिखूँगा चेंज्ड फर्स्ट डॉट टी एक्स टी एंड एडिड, मान लो मैंने उसमें ऐड कर दिया बेटर डिज़ाइन। अब यहाँ पर ना ये बहुत ही गलत कमिट मैसेज है, मतलब इस तरह से मैसेज नहीं डालना चाहिए चेंज फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, क्योंकि कमिट का मतलब ही होता है कि आपने कुछ चेंज किया है, लेकिन तभी मैं अभी के लिए डाल देता हूँ इस मैसेज को। तो ये बता रहा है कि आपने एक फाइल चेंज करी, दो इंसर्शन करे, एक डिलीशन करा, और अब आप गिट स्टेटस रन करोगे तो ये कहेगा आपकी माई एक्सेल डॉट एक्सेल एस एक्स अभी भी मॉडिफाइड पड़ी हुई है, यानी कि मैं सिर्फ इसको डालना चाहता था कमिट में तो मैंने सिर्फ इसको डाला। तो इस तरह मैं जो है स्टेज कर सकता हूँ अपनी इंडिविजुअल फाइल्स को, और उसके बाद अगले स्टेप में वो मेरी कमिट में चली जाएंगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार और रिवाइज़ करेंगे इस चीज़ को कि किस तरह हमको ट्रैकिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट्स की। तो सबसे पहले अगर आपको एक प्रोजेक्ट को गिट में बनाना है, यानी कि एक फोल्डर को गिट बनाना है उसका, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गिट इनिट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, मैं रन नहीं करूँगा कमांड, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, ऑलरेडी मैं गिट मेरी बनी हुई है। सबसे पहले तो आपको गिट स्टेटस लिखना है।
अगर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है ऑन ब्रांच मास्टर वगैरह, यानी कि आपकी जो गिट रिपोजिटरी है उसमें ऑलरेडी डॉट गिट फोल्डर है, अगर आप सब कुछ वापस से करना चाहते हैं तो आप गिट इनिट करोगे तो री इनिशलाइज रहेगी आपकी गिट रिपोजिटरी, वो आप करना नहीं चाहोगे। ठीक है, तो आपने गिट इनिट नहीं रन करना है अगर ऑलरेडी आपकी गिट रिपोजिटरी बनी हुई है। फिर आप गिट एट माइनस माइनस ए करोगे तो क्या होगा, गिट एट माइनस माइनस ए करने से सारे के सारे चेंजेस तेज हो जाएंगे। मैं ये जैसे अभी भी रन कर दूँ इसको और उसके बाद गिट स्टेटस करूँ, तो ये देखो मेरे सारे चेंजेस, मेरा एक ही चेंज था वो स्टेज हो गया है। अब मैं गिट कमिट लिखूंगा जैसे ही, और उसके बाद इसमें माइनस एम फ्लैग लगा के एक मैसेज डालूंगा डबल कोट्स में, माई एक्सेल। तो क्या होगा कि यहाँ पर इसने क्या किया, इसने कहा कि जी मैंने एक फाइल को चेंज किया और उसको चेंज करके मैंने इस तरह से ये कर दिया, सब बताएगा आपको, कमिट मैंने डाल दिया। और आप गिट लॉग करके उसके बाद सबसे पहले गिट स्टेटस करके देख लेना, गिट स्टेटस सिर्फ आपके देखने के लिए कि भाई क्या चेंजेस, कोई चेंज तो नहीं है, कोई ऐसा चेंज तो नहीं है जो कि मैंने कमिट नहीं करा, कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि मुझे करना है अभी, ये देखने के लिए बस आपका गिट स्टेटस। और उसके बाद आपने गिट लॉग करके अपने सारे कमिट्स देख लेने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये वाला कमिट किया था, इनिशियल कमिट, उसके बाद हमने चेंज किया था फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, तो पूरा हमारा जो लॉग है वो आ गया है, मतलब कि हमने क्या क्या चेंज किया था, ये हमारा जो है पूरा स्नैपशॉट हमने खींच लिया है। अब हम इस अवस्था में जाना चाहते हैं तो हम इस अवस्था में जा सकते हैं, वो कैसे जाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हम इस अवस्था में भी जा सकते हैं, यानी कि रोल बैक कर सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं, तो ये सारे काम हम गिट की मदद से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह किसी एक एग्जिस्टिंग फोल्डर को गिट फोल्डर में आपको कन्वर्ट करना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस कर लिया होगा और आप लोग को ये सारे वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लग रहे होंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग और बात करेंगे, काफ़ी चीज़ें देखेंगे गिट के बारे में। अभी के लिए इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा, काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर करें अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।